Hello everyone, welcome back to my channel Krisho's Creation और आई होप यू ऑल आर फाइन डूइंग वेल। एंड गाइज, आज का जो वीडियो है ये एक रिव्यू वीडियो होगा और वो प्रोडक्ट क्या है तो ये तो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, जो लोग मेरे चैनल में न्यू है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। So without further talking, let's get started. So friends, आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी गाइज। ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायोफिस्टाशियो यूथफुल नरिशिंग एंड रिवाइटलाइजिंग फेस मास्क फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने पहले एक बायोटिक फेशियल मास्क का रिव्यू किया था तो वो रिव्यू करने के बाद कुछ सब्सक्राइबर्स है मेरा, उन लोगों के पास से मुझे ये रिक्वेस्ट आया कि बायोटिक का और भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने के लिए, तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने परचेस किया है। बायोटिक का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो मैंने कभी बायोटिक का कोई फेस मास्क यूज नहीं किया है। पैसे मुझे बायोटिक का प्रोडक्ट्स खूब बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं है तो मैंने जस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया और यही वाला प्रोडक्ट मुझे कन्वीनियंट लगा यूज करने के लिए क्योंकि मैंने कभी भी बायोटिक का कोई भी फेस मास्क यूज नहीं किया है और मुझे एक फेस मास्क चाहिए था तो मैंने इसको परचेस किया है अमेजोन से और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग जाकर उसको परचेस कर सको। बायोटिक जो है ये क्लेम करता है ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। देखिए आप लोग देख सकते हो इसमें मेंशन किया हुआ है ये जो फेस मास्क है ये 100% आयुर्वेदिक एंड बोटनिकल एक्सट्रैक्ट्स रेसिपी है। दिस इज कंटेनिंग 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका जो रिटेल प्राइस है ये है 199 रुपीज। ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा ऑनलाइन साइट्स में, इसका डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स चलता है ऑनलाइन में। सो गाइस, जैसा कंपनी क्लेम कर रहा है ये फेस मास्क रिवाइटलाइजिंग है, यूथफुल बनाता है स्किन को और नरिश भी करता है। ओके, तो लेट्स ओपन दिस बॉक्स एंड मुझे बायोटिक का पैकेजिंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो बॉटल है ये बहुत ही हार्डी है, ये गिर जाने के बाद इसका जो मटेरियल से ये बना हुआ है ये टूटने का या फटने का कोई चांसेस नहीं होता है, ये बहुत ही हार्डी मटेरियल है। सो इसका जो यूज करने का प्रोसेस है वो भी यहाँ पीछे लिखा हुआ है। तो इसको यूज करने से पहले आपको फेस को क्लीन करना है, फिर आप इसको थिक लेयर इसका अप्लाई कीजिए फेस के ऊपर, देन लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स, देन रिंस ऑफ थ्रूली प्लेन वाटर और वाइप इट थ्रू डैम्प क्लॉथ ऑल्सो। सो यही है इसका यूज। ओके गाइस, तो इसका एप्लीकेशन अभी देख लेते हैं। माई फेस इज जस्ट बर्निंग, बहुत ज्यादा जल रही है मेरी फेस आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस मास्क। आई डोंट नो क्या इसमें मिला हुआ है, जैसे कि मिर्ची मिला हुआ है ऐसा, इतना ज्यादा जल रहा है मेरा फेस। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक इसको झेल पाऊंगी। बायोटिक की प्रोडक्ट के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, ये जब भी मैं यूज करती हूँ मेरा फेस जलने लगता है। मैं और एक बायोटिक का प्रोडक्ट का रिव्यू किया है मैंने, फेशियल किट का, पॉल फेशियल किट का, उसमें भी प्रॉब्लम था मेरे फेस। आई हैव टू लीव दिस फेस पैक फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड मुझे पता नहीं कितनी देर तक मैं इस जलन को झेल पाऊंगी एंड लेट्स सी अगर कोई मेरे फेस के ऊपर कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। रिव्यू के चक्कर में मेरा फेस खराब हो जाएगा। वैसे मेरा कोई सेंसिटिव स्किन नहीं है, मेरा स्किन ड्राई है, लगभग ड्राई स्किन है मेरा, पता नहीं क्या होगा। हे गाइस, मैंने फेस को क्लीन कर लिया है, मैंने फेस पैक को 20 मिनट्स तक स्टे किया, फिर मैंने फेस को प्लेन वाटर से क्लीन किया है। तो अभी मुझे आफ्टर क्लीनिंग दिस फेस मास्क मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क है एंड
ये पहले इतना जल रहा था तो अभी कोई जलन नहीं है। 5 मिनट्स के बाद पूरी जलन खत्म हो गई। फेस मास्क अच्छा है मगर जलता बहुत है, और पहले भी मैंने बहुत सारे फेस मास्क यूज किया हुआ है मगर कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का फेस मास्क ऐसा यूज करने के बाद या अप्लाई करने के बाद इरिटेशन फील नहीं हुआ मुझे। तो जस्ट बायोटिक का ही ये वाला फेस मास्क मुझे बहुत ही इरिटेट फील कराया। तो मेरे तरफ से हाँ भी है फिर ना भी है। अगर आप जलन सह सको तो इसको परचेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को। मैंने इसको परचेस किया है अमेजोन से और ये एब्सोल्युटली अवेलेबल है अमेजोन में। आप लोग इसको यूज करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये इरिटेशन फील हुआ कि नहीं है। तो ये जो क्लेम कर रहा है वो किया है मेरे फेस के ऊपर। आई कैन सी द रिजल्ट, यू गाइज ऑल्सो कैन सी दैट। सो गाइज मैंने क्या किया, मैंने 20 मिनट्स तक ऐसे बैठे नहीं रहे, मैंने जाकर मेरी मम्मी और सिस्टर के ऊपर भी इस मास्क को अप्लाई किया। मैंने सोचा कि ये जो इरिटेशन मुझे फील हो रहा है शायद उन लोगों को फील ना हो, ताकि ये पता चले कि मुझे कोई एलर्जेटिक इश्यू हो रहा है आफ्टर यूजिंग दिस फेस मास्क। बट गाइज इट वॉज सेम इरिटेशन वॉज हैपनिंग विथ माई मॉम एंड माई सिस्टर्स एज वेल। सो गाइज मुझे ये पता चल गया है कि ये फेस मास्क आप अगर यूज करोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स तक ये जलती रहेगी, फिर ये ठंड हो जाएगा। सो गाइज आप लोगों को मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? आई होप दिस रिव्यू विल बी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू गाइज। सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। एंड मैंने वही रिव्यू किया जो मुझे ऑनेस्टली इस प्रोडक्ट के थ्रू देखने को मिला, या वो भी जो भी रिजल्ट मुझे मिला मैं इसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू किया। एंड अगर आप लोग रिव्यू रिलेटेड और भी वीडियोज देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।